सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक सेटअप चैनल। तो आज की वीडियो एक बेंचमार्क वीडियो होने वाली है, जो हमने पिछली बार पीसी बिल्ड करा था। इससे पिछली वाली वीडियो में जो था 5000 रुपये का गेमिंग पीसी बिल्ड, उसके बेंचमार्क के लिए हमने वीडियो बनाई है। इसमें हमने 5 गेम इंक्लूड करे हैं, जो कुछ नए गेम्स हैं, कुछ पुराने गेम्स हैं, जिससे आपको सारा अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें कैसे गेम्स चल सकते हैं। इसके अंदर हमने 4 to quad Q600 यूज़ किया था, और हमने ग्राफिक कार्ड के लिए सफाई की तरफ से आने वाला R7 240 यूज़ किया था, जो 1GB DDR5 रैम के साथ आता है, और हमने 4GB की रैम यूज़ कर दी। तो गाइस बढ़ लेते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कैसे इसमें गेम चल सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो गाइस सबसे पहले गेम हमने चलाया वो है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड 2012। ये बहुत ज़्यादा फेमस गेम है, और ये गेम आज भी बड़ा मस्त लगता है देखने में, क्योंकि इसके ग्राफिक्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। ये गेम बहुत ही मस्त चला है इस पीसी में। मैंने इसे चलाया अल्ट्रा सेटिंग्स पे, जिसमें मुझे एवरेज एफपीएस मिले 60 एंड लो जाता है मेरा 58, जो बहुत ही सही एवरेज है एफपीएस है। इससे पहले जो मैंने 8000 वाला पीसी बिल्ड किया था, उसमें मुझे यही सेम एफपीएस मिले थे। तो मुझे पता नहीं इसके अंदर कुछ वीसिंग टाइप ऑन है जो हम बंद नहीं कर सकते, और इसमें हमेशा इतने ही एफपीएस आते हैं, चाहे हमारे घर का हार्डवेयर अच्छा हो या बेकार हो। मुझे आज तक समझ नहीं आया क्यों हो रहा है, बट आप इसको आराम से खेल सकते हो अपने पीसी पे, बहुत ही बढ़िया चलेगा, आपको कोई इशू आने वाला नहीं है। आप घंटों से खेलो, ये अल्ट्रा सेटिंग में बिल्कुल मस्त दिखेगा आपको। तो गाइस बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट गेम हमने चलाया वो है GTA 5। इसको हमने चलाया 720p लो सेटिंग पे, लो टू मीडियम, मतलब कुछ सेटिंग्स मीडियम भी है, क्योंकि ज़्यादा ही खराब दिखता है वरना। तो इसमें आपको एवरेज मिले हैं वो 39, और जो लो जाता है वो 28, जो बहुत सही है सबसे, क्योंकि ये बहुत पुराना पीसी है, और 5000 में आपको GTA 5 चल रहा है तो बहुत है आपके लिए। अगर आपने कभी GTA 5 खेला नहीं है, जैसे आपको खेलने के लिए GTA 5 चाहिए बस चलता हुआ एक बार वो खेलना है, तो आप आराम से खेल सकते हो, कोई लैग वगैरह ज़्यादा आएंगे नहीं, आराम से आपको बढ़िया चलेगा। मिशंस वगैरह आराम से कर सकते हो ऑफलाइन, ऑनलाइन पे आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि प्रोसेसर ज़्यादा यूज़ होता है तो वो इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा, वरना ऑफलाइन या जो आप स्टोरी मोड कहते हैं उससे तो आप आराम से खेल सकते हैं, कोई इशू आने वाला नहीं है। तो बढ़ देते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट गेम जो हमने चलाया हुआ है CS:GO, जो बहुत ज़्यादा फेमस गेम है आज की डेट में भी, तो ये बहुत सही चला है, इसमें तो कोई भी इशू नहीं आया, बस थोड़ी सी स्टटरिंग आई है, वो भी जब ज़्यादा ही फ्लैशबैक वगैरह होते हैं तब आती है। तो इसमें आपको एवरेज FPS बहुत सही मिला है, जिसमें बताता हूँ एवरेज FPS आपको मिला 61 और लो जाता है वो 47, जो बिल्कुल कम नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा आपको बिल्कुल फेयर मिला है, ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि हिसाब से हार्डवेयर हिसाब से आपको काफ़ी सही मिला है। वैसे भी स्पोर्ट टाइटल है तो ज़्यादा ग्राफिक डिमांडिंग होता नहीं है, CPU डिमांडिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इतने FPS मिल रहे हैं आपको। अगर आप थोड़ा अच्छा CPU लें Q9500, तो आपको एवरेज FPS थोड़े और बढ़ सकते हैं, बट ये गेम आप खेल सकते हैं आराम से। अगर आप तो थोड़े बाद में फ्रेंड्स के साथ खेलने की, आपके दोस्त वगैरह खेल रहे हैं और आपको भी उनके साथ खेलना है, तो आप खेल सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है। और नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट गेम जो है हमारा रॉकेट लीग, जो बहुत ज़्यादा फेमस गेम है, बट अब ये लोग खेलते कम है, बट मैंने सोचा इसे ऐड कर लूँ, क्योंकि ये भी एक ई स्पोर्ट टाइटल है, और इस पीसी में आप ई स्पोर्ट का कोई भी गेम खेल सकते हो। तो ये मैंने चलाया हाई सेटिंग पे 720p, और इसमें मुझे एवरेज FPS मिले 77 और लो जाता है 55, तो बहुत से FPS मिले, क्योंकि ये गेम बहुत ज़्यादा कम CPU डिमांडिंग है और ग्राफिक डिमांडिंग थोड़ा ज़्यादा है, तो ये ग्राफिक कार्ड बहुत आराम से सपोर्ट कर रहा है, कोई इशू आपका आने वाला नहीं है। ये गेम बिल्कुल मस्त चल रहा है, तो इस गेम को लोग खेलते बहुत कम है, तो वो थोड़ा आपका इशू आ सकता है, कुछ आपको प्लेयर सर्च में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट हाँ ये गेम है बहुत अच्छा, आपको मज़ा आ सकता है अगर आप चाहो तो। मैंने भी 2-3 घंटे खेला बाय करने के बाद। तो बढ़ते हुए नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट गेम और लास्ट गेम जो है हमारे पास पबजी लाइट, जो बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है ट्रेंड में, बढ़िया गेम, इतना ज़्यादा चला नहीं, बट अभी बहुत लोग खेलते हैं, मैच मेकिंग 2 या 3 सेकंड में हो जाती है। तो इसमें आपको एवरेज FPS मिला 59 और लो जाता है 43। ये मैंने चला हाई सेटिंग पे, और वो सेटिंग मीडियम भी है, अल्ट्रा सेटिंग पे नहीं चला है, क्योंकि उसमें थोड़ा FPS आपको गिर सकते हैं, बट ये गेम काफ़ी अच्छा है, आप इसे आराम से खेल सकते हो, बिल्कुल मजे से इन्जॉय कर सकते हो और आराम से चिकन ले सकते हो। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर दी वीडियो को, सब्सक्राइब कर दी चैनल को, और घंटे के आइकन को जरूर दबाना, और मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ नहीं मिल पाएंगी। तब तक के लिए बाय गाइस।